नई YouTube पेमेंट आ चुकी है, तो फर्स्ट YouTube पेमेंट लेने आए हम लोग। और गाइस आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए। सुबह से हम काफ़ी बिजी थे इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाए, इसलिए अभी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं नारनौल, वो खालडा वाले बाबा के वहाँ पे। तो आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने कैमरा चेक करवा लिया है, भैया ने बताया कैमरा बिल्कुल ठीक है और हम लोग अब निकल लिए नारनौल की साइड। और चाचा आगे सो चुके हैं, नाके भी नहीं आए, बिन नहाए आगे, क्योंकि शाम को एक शादी में जाना था इसलिए सोचे शाम को ही नहाएंगे। और खाना भी नहीं खाया, शाम को खाना खाएंगे। और सिद्धू मेरे साथ बैठा हुआ है और हरी मेरे पीछे बैठा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये रास्ता है देखो, अभी बना है नया और ये देखो बीच में पत्थर वत्थर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खालडा वाला मंदिर के बिल्कुल सामने। कार हम लोगों ने यहाँ पे पार कर दिया है, भाई ने वाइट कुर्ता पहना हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो खादी का आइए, आप लोगों के लिए मंगवा देंगे कुरुक्षेत्रा से स्पेशल। हरिंदर ने अपना सेटअप ले लिया है, हरिंदर अपना बैग रेडी है ना, कैमरा वगैरह जो भी है। हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं प्लांट्स के, उस पर पहाड़ के ऊपर जाके प्लांट्स की सर्वे करके आएंगे और आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा है। सिद्धू क्या हुआ भाई, कैची ले ली है ने। आप ये मत समझो कटिंग का काम करेगा, ही करेगा कटिंग का ही काम, लेकिन ये प्लांट्स की कटिंग करेगा। ये देखो पहाड़ी है बिल्कुल, पीछे कितना शानदार व्यू आ रखा है। ये इधर ये देखो दुकान लगी हुई है प्रसाद वगैरह लेने के लिए। और मंगलवार के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, आज मंगलवार के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज सोमवार है जिसकी वजह से आज इतनी भीड़ है नहीं। हम लोग इसलिए आए हैं, वो देखो काफ़ी बड़ी स्टैचू लगी है मूर्ति और इस पर रिनोवेशन का काम चला हुआ है। सुबह पहले लेते हैं हम लोग प्रसाद थोड़ा सा और फिर जा रहे हैं मंदिर में। आप कौन सी ले रहे हैं हम लोग? हाँ ये इमरती वाला प्रसाद ले लेते हैं। और देखो नीम का पेड़ है, इसके ऊपर निमोलिया लगी हुई है और काफी मीठी होती है ये। इन नीम के पेड़ के ऊपर देखो पानी के पोर्ट्स लगा रखे हैं पक्षियों के लिए, काफी अच्छा कर रखा है ये काम। और ये मंदिर है यहाँ पे, काफी खूबसूरत तरीके से प्लांट्स लगा रखे हैं। आगे ये पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है। और गाइस हम लोगों ने अपनी चप्पल यहाँ पे उतार दी है, मेरी चप्पल काफी अच्छी है, सिद्धू की तो जूते हैं और मैंने अपनी चप्पल यहाँ लगा दी है। ये कुकू भैया की चप्पल, कुकू भैया की चप्पल थोड़ी खराब सी है पुरानी। गाइस ये देखो इसको कैसी चप्पल मिल गई, रुक जा एक बार से बना के। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ अरे इसका अलग से वो धीरे से जूम है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस मंदिर में आके? शायद आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? यहाँ पे पहली बार हूँ, वैसे मंदिरों में तो बहुत गया हूँ मैं। अच्छा सो गाइस यहाँ पे आज मंडे है इसलिए कम भीड़ है, कल ट्यूजडे होगी तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम आज आए हैं, थोड़ी कम भीड़ है यहाँ पे तो आराम से घूम लेंगे। चढ़ाई की अभी शुरुआत नहीं हुई थी और चाचा थक गए और यही बैठ गए हैं, शायद आगे नहीं जाएंगे, यही रहेंगे है ना। अच्छा गाइस मौसम काफी अच्छा है, बिल्कुल ठंडा हो रखा है, बारिश का सा मौसम हो रखा है, आज इतनी ज्यादा गर्मी लग नहीं रही हम लोगों को। गाइस उधर फायरिंग रेंज है देखो, फायरिंग घंटी। सो गाइस हम मंदिर में यहाँ पे रिनोवेशन का काम चला हुआ है। सो गाइस पूजन देखो कि किसकी जॉब ले ली है, यहीं बैठा रहना है क्या? यहीं पे बैठे रहेंगे क्योंकि आज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के देख लेती हूँ कैसा लगता है। ऐसे तो हम इधर रहते हैं तो आज मैं इस साइड में, तो यहाँ के मजे ले लेती हूँ बैठ के, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सीट है
और यहाँ से पूरा मस्त दिख रहा है, मजे आ रहे। सो गाइज इसका यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, भैया को परेशान कर रखा है फोटो लेने के लिए, ऐसे ले ऐसे ले। इसकी फोटोज कभी नहीं ख़त्म होती है, कितनी भी फोटो क्लिक करवाएगा इस। क्या देखो गाइज, छोटे छोटे बच्चे आए हैं दौड़ के बाबा के दर्शन करने के लिए। सो गाइज हम लोग मंदिर होके आ चुके हैं और अब लोग हम जा रहे हैं ट्रेंड्स पे कुछ शॉपिंग करने के लिए। सिद्धू को टी शर्ट और लोअर दिलाना है क्योंकि तीन दिन से इसने यही लोअर पहन रखा है। सिद्धू भाई नया लोअर ले लेना, तीन दिन से इसे लोअर चेंज नहीं किया अभी तक, और ये नान ऑल का ट्रेंड है, काफ़ी खूबसूरत है देखो। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, यहाँ पे हमने डेढ़ घंटा वेस्ट कर दिया हमारा। वेस्ट नहीं किया, बहुत सारी शॉपिंग की हमने, देखो हमने इतनी शॉपिंग की है कि हमें गिफ्ट भी मिला है यहाँ पे। टी शर्ट ली है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, लोग हमारे उसकी पिक क्लिक करके हम लोग उस इंस्टाग्राम चैनल पर डालेंगे, आप जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमें छोटा इतनी सारी पैसे देने के बाद उन लोगों ने हमें ये मिला। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, और मेरे को तो इन्होंने है ना इस गिफ्ट के चक्कर में दो टी शर्ट दिलवा दी है। क्या बेड शीट मिली है, मैं लेके जाऊँगा, ये मैं लूँगी क्योंकि मेरे को तुमने दो टी शर्ट दिलवाई है। सो गाइस बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, अब कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है, इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। और गाइस हमने ना बैग नहीं लिया, देखो तो सिद्धू कैसे अपने हाथों में ले, 10 रुपये बचा के हमें बड़ी खुशी हो रखी है। 10 रुपये बचाए हमने पूरे, 10 रुपये पूरे बचा लिए एकदम पूरा। और गाइस देखो कितने सारे पेपर ऐसे दे देंगे लेकिन एक बैग नहीं दे सकते, तो अब हम चलते हैं अपने। सो गाइस ये लोग जा रहे हैं, इसको इंडियन बैंक में काम था, हमारी YouTube पेमेंट आ चुकी है तो फर्स्ट YouTube पेमेंट लेने आए हम लोग। हमारी YouTube पेमेंट इंडियन बैंक में आती है जो कि टाउन हॉल में स्थित है, हम जाते हैं पेमेंट लेके। गाइस ऐसे कुछ नहीं है, आपका सपोर्ट चाहिए बस, लेकिन अभी आ देखने। गाइस वो लोग तो चले गए हैं बैंक में और अब हमें तो लग रही है भूख, तो हम खाने जा रहे हैं कांजीवरम। सो गाइस ये है नॉर्थ नोल का मशहूर कांजीवड़ा, यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग कांजीवड़ा खाने के लिए, तो अभी खाते हैं फिर आप लोगों को बताएंगे कैसा है। तो उस पे लग रही है कांजीवड़ा, खा के बताते हैं कैसा है। और यहाँ कांजीवड़ा खा के ना इनका मुँह जल गया है सिद्धू का, तो अभी इसको मिठाई दिलवा रहे हैं। तो तेरे को क्या पसंद है इन तीनों मिठाइयों में? कलाकंद। तो मेरे को भी कलाकंद ही पसंद है, तो हम यहाँ पे कलाकंद ही ले रहे हैं, इसको मिल्क केक भी बोलते हैं वो भैया वहाँ पे ले रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं मेरी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए, और यहाँ पे सिद्धू ने भी नई ड्रेस पहन ली है, आप लोग कमेंट करके बताना इसकी ड्रेस कैसी है, आज हम खरीद के लाए हैं, और फिर अब वहाँ पे शादी में मिलते हैं। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं एक शादी में जो कि पूजा की फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं हम लोग, और राहुल भैया सिद्धू भैया रेडी हो चुका है। सिद्धू अपनी आउटफिट दिखा भाई, कूल लग रही है। राहुल भैया ने ब्लैक शर्ट डाल ली है, पूजा दीदी ने गंदी ड्रेस पहननी है। अच्छा। इसके लिए एक डिसलाइक करना आप लोग, और एक DSLR ले रखा हम लोग, उसकी फोटोशूट चल रहा है इनका, और लेट हो रहे हैं हम लोग काफ़ी। हम फंक्शन में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेरी दोस्त की शादी, कार पार्क करने गए हैं राहुल भैया, तो वो आते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, तो करते हैं हमारे पहले वो। सो गाइस ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड भी है, और अभी जिसके पास जिसकी शादी में हम आए हैं वो भी हमारी स्कूल फ्रेंड है, तो अभी मिलते हैं उससे भी जाके अंदर। देखो इसका मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा, घर से रेडी होके आई है और अभी तक करे ही जा रही है, और हमारी जो फ्रेंड है वो आई नहीं है अभी पार्लर में, गाइस हमारी दोस्त आई नहीं है, और अभी हम तब तक वो आती है तब तक हम खाना खा लेते हैं, और मीनाक्षी फोटो के लिए पोज दे रही थी और मैंने वीडियो बना दी। सो गाइस हमने यहाँ पे खाना ले लिया है, और देखो काफ़ी टेस्टी खाना है, तो अभी हम पहले खाना खा लेते हैं तब तक वो आती है, उसके बाद हम उससे मिलेंगे, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद उससे मिलेंगे। जी खाने के बारे में बताओ। सही गाइस बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है खाने में, और पहले हम खा लेते हैं उसके बाद बताएंगे। सो गाइस हम लोगों ने लिया है स्ट्रॉबेरी शेक, और काफ़ी टेस्टी है। खाना कैसा लगा?
गया है इसका। हमने बहुत ही ज्यादा खा लिया था, अच्छा खाना था। अब हमने फ्रेंड से मिलते हैं। तो गाइस हमारी फ्रेंड का चल रहा है फोटोशूट, अब पता नहीं मम्मी पहचान पाएगी नहीं, देखते हैं। संदेश तो मिली नहीं लेकिन हमें आंटी मिल गई। आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। आंटी आप खुश हो आज? मैं बहुत खुश हो। को अभी दिखाई नहीं दिया होगा। हाँ, उसने देखा नहीं है हमें। नहीं तो क्लास का लोग हो गए। हाँ गाइस देख लिया, फाइनली हमारे दोस्त में हम। सो गाइस ये हमारी फ्रेंड है संदेश, इसके साथ किसी के पास मत जाना। गाइस यहां पे इसका ना बहुत बहुत हैवी मेकअप कर दिया बेचारी का, क्या करे, फंस गई है। मजे तो आ रहे होंगे, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। शादी में बहुत इंजॉय किया और हमने पत्तल भी ले लिया, मतलब मिठाई ले लिया। और अभी मीनाक्षी जा रही है तो इसको बाय बोल दो। बाय मीनाक्षी। बाय। कार आ चुकी है और देखो ना आंटी ने हमें पैसे भी दे दिए हैं, हमें मिठाई भी दे दी है। और क्या करते हैं? कमेंट करो, कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। गाइस अच्छे से कमेंट्स करना इसके लिए, ठीक है। बाय।